हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, जिसे हम डार्क सर्कल्स कहते हैं, उसके कारण के बारे में, क्योंकि कारण जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन कारणों को दूर कर देंगे तो डार्क सर्कल्स आपको नहीं बनेंगे और अगर हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके घर में मम्मी पापा को या भाई बहन को है डार्क सर्कल्स तो हो सकता है आपको भी हो। तो फैमिली हिस्ट्री नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है, मतलब इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये जेनेटिकली होता है। दूसरा रीजन होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, जैसे आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की, तो आपको डार्क सर्कल्स होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, जो लोग ज़्यादा देर तक लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं, या वो लोग जो ज़्यादा देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और लंबे ड्यूरेशन के लिए करते हैं, उनको भी डार्क सर्कल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए कम से कम मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करें, और अगर कर रहे हैं तो कम देर के लिए करें और दूर से यूज़ करें इनका इस्तेमाल करना। जो लोग रात में सोते समय मोबाइल का यूज़ करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। चौथा कारण होता है लाइफस्टाइल। अगर आपके लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस है, आप ज़्यादा देर तक सोते नहीं हैं, 4-5 घंटे सोते हैं, या फिर आप सिगरेट या अल्कोहल जैसी हैबिट रखते हैं पीने की या खाने की, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डार्क सर्कल ज़्यादा हो सकते हैं। या फिर अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आप पानी कम लेते हैं, तो इससे भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। और पाँचवा रीज़न होता है एजिंग। जब हम धीरे धीरे एज के साथ बूढ़े होते हैं तो हमारी स्किन पतली होती है और झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। तो अगर आप इन 5 कारणों को अच्छे से समझ गए हैं और इनसे दूर रह सकते हैं तो आपको डार्क सर्कल्स नहीं बनेंगे, अगर हैं भी तो ठीक हो जाएंगे। मैं डार्क सर्कल्स के ट्रीटमेंट के बारे में आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आप मुझसे इसी तरह जुड़े रहें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो और भी लोगों में शेयर करें ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि डार्क सर्कल से बहुत ही लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया था, तो इसलिए मैंने डार्क सर्कल्स के कारण पे पहले वीडियो बनाया, क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका कारण क्या होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि और भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।